मुंबई की इंग्लिश डेली की माने तो रणवीर सिंह को रिसेंटली अनुष्का शर्मा के साथ एक फिल्म ऑफर की गई और रणवीर वाज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट द रोल टिल ही फाउंड आउट दैट द क्लाइमेक्स इज अ वेरी इंटीमेट सीन विद अनुष्का, जिसकी वजह से अपेरेंटली रणवीर ने इस फिल्म के लिए अपनी हामी नहीं भरी। खबरों की माने तो आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा स्टार फिल्म दावत-ए-इश्क की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है, क्योंकि प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के कुछ पोर्शन से खुश नहीं हैं एंड दी सीक्वेंसेस विल बी रीशॉट, लेकिन डायरेक्टर हबीब फैजल ने इस बात को डिनाई किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन मणि रत्नम की येट अनटाइटल्ड तेलुगु फिल्म से अपना कमबैक करने वाली हैं, पर अब सुनने में आ रहा है कि ऐश माइट नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड अपेरेंटली अमंग अदर एक्ट्रेसेस आर्सन इज आल्सो बीइंग कंसीडर्ड फॉर दिस फिल्म ऑपोजिट महेश बाबू एंड नागार्जुन। खेर ने शॉर्ट फिल्म आई वेंट शॉपिंग फॉर रॉबर्ट डिनेरो के जरिए वन ऑफ हिज फेवरेट एक्टर्स डिनेरो को ट्रिब्यूट दिया है एंड दिस फिल्म विल बी स्क्रीन्ड एट अ पॉपुलर इंडियन फिल्म इवेंट टू बी हेल्ड इन फ्लोरिडा, और इस बात से अनुपम जी हैं काफी एक्साइटेड। सुनने में आया है कि डायरेक्टर मीरा नायर ने इरफान खान को अप्रोच किया है टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म द बंगाली डिटेक्टिव, वेयर इरफान विल बी प्लेइंग अ मिडिल एज स्पाई इन कोलकाता हु वांट्स टू लर्न डांसिंग। इससे पहले इन दोनों ने द नेम सेक में एक साथ काम किया था। खबरों की माने तो फिरोज नाडियाडवाला हैज अक्वायर्ड परमिशन टू शूट अ सीन ऑफ हिज फिल्म वेलकम बैक इन द लॉबी एरिया ऑफ द 155th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। वेलकम बैक के कास्ट मेंबर अनिल कपूर ने इससे पहले उनकी हॉलीवुड वेंचर मिशन इम्पॉसिबल 4 के लिए इसी बिल्डिंग के 124th फ्लोर पर शूट किया था। करण जौहर के इमरान हाशमी, कंगना रनौत और संजय दत्त स्टार फिल्म उंगली की रिलीज डेट दोबारा पोस्टपोन हो गई है और इसके कई रीजंस बताए जा रहे हैं। अपेरेंटली केजो वांटेड टू फ्रेश सॉन्ग्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फिल्म, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि करण इस फिल्म को री एडिट कर रहे हैं। सुनने में आया है कि अरबाज खान की सोनम कपूर स्टारर फिल्म डॉली की डोली में एक प्रिंस के रोल में कैमियो करने के लिए सैफ अली खान को अप्रोच किया गया है। इस फिल्म में सोनम के साथ साथ पुलकित सम्राट और राजकुमार राव अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। सुपरस्टार राजेश खन्ना और नंदा स्टारर फिल्म इत्तेफाक की रीमेक बनाई जाएगी, विच विल बी हेल्प्ड बाय अभय चोपड़ा, सन ऑफ फिल्म मेकर रवि चोपड़ा। अपेरेंटली इस फिल्म के लिए अभय ने उनके अच्छे दोस्त रणबीर कपूर को अप्रोच किया है। मुंबई की एक इंग्लिश डेली की माने तो दीपिका पादुकोण संजय लीला भंसाली के एम्बिशियस प्रोजेक्ट बाजीराव मस्तानी में मस्तानी के रोल के लिए फाइनलाइज कर ली गई हैं। इस फिल्म में दीपिका उनकी फिल्म गोलियों की रास लीला रामलीला के को स्टार रणवीर सिंह के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगी, जो कि फिल्म में बाजीराव का रोल प्ले कर रहे हैं। बिजोय नामव्यार के अपकमिंग थ्रिलर में अमिताभ बच्चन एक पैरालाइज्ड चेस ग्रैंड मास्टर के रोल में नजर आएंगे। ही विल बी प्लेइंग द टीचर टू फरहान अख्तर्स कैरेक्टर द फिल्म। खबर मिली है कि शोले फेम डायरेक्टर रमेश सिप्पी अब एक रोमांटिक कॉमेडी डायरेक्ट करने वाले हैं और लीड रोल प्ले करने के लिए उन्होंने राजकुमार राव को फाइनलाइज कर लिया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनकी अगली फिल्म द म्यूजिक टीचर में एक क्लासिकल वोकलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं और इस रोल में कन्विंसिंग दिखने के लिए नवाज इन दिनों हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सुभाष कपूर की फिल्म गुड्डू रंगीला में रौनित रॉय एक विलन के रोल में नजर आएंगे। रौनित विल बी सीन प्लेइंग द हेड ऑफ द खप पंचायत एंड ही हैज बीन आस्क्ड टू बीफ अप फॉर द रोल। मिस इंडिया 2014 पेजेंट के रेड कार्पेट इवेंट को अटेंड किया बॉलीवुड के कई स्टार्स ने। आइए देखते हैं इस इवेंट की एक झलक। शिल्पा शेट्टी और उनके हबी राज कुंद्रा अब ज्वेलरी बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और इसीलिए इन दोनों ने हाल ही में अपनी ज्वेलरी कंपनी लॉन्च की और इसके रेड कार्पेट इवेंट में शामिल हुए इनके फ्रेंड्स और वेल विशर्स, जिन्होंने राज और शिल्पा को कंग्रेचुलेट किया। कंगना रनौत बन गई है एक स्टेशनरी ब्रांड के एम्बेसडर और इस बात के अनाउंसमेंट करने के लिए हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां कंगना ने इस ब्रांड से जुड़ने पर अपनी खुशी जाहिर की। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर की डेब्यू फिल्म हीरोपंती का हाल ही में हुआ ट्रेलर लॉन्च, जिसमें शामिल हुए शोमैन सुभाष गई, जैकी श्रॉफ और आमिर खान।